इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सुग्रीव सब सुन लिए, फिर भी भगवान से कहते हैं, प्रभु सुग्रीव है, बाली बहुत बलशाली है, बलवान है, इस संदेह ही तो हुआ। भगवान मुस्कुराए। इतने में सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ले ली। दुंदुभि अस्थि ताल दखरा, बिनु प्रयास रघुनाथ कहा। एक असुर था दुंदुभि, जिसको बाली ने मार दिया था। सात ताड़ के वृक्ष थे। सुग्रीव ने कहा, प्रभु क्या ताड़ वृक्षों को एक साथ काटा जा सकता है? भगवान मुस्कुराए, ये क्या है? परीक्षण। हमारे आप में से तो हम लोग भगत हैं, भगवान हैं, या भगवान हैं तो सब है, भगवान की ही कृपा है तो सब हो रहा है, ऐसा मानते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि वो भगवान को मानते भी नहीं, और मानते भी हैं तो पहले परीक्षा ले लेते हैं, देखें भगवान में शक्ति है कि नहीं। ऐसे लोगों को भगवान शक्ति दिखा भी देते हैं। भगवान की कभी परीक्षा न की जाए। एक मान भगवान ने निकाला, सातों ताड़ वृक्षों को काटता हुआ बाण दुंदुभि की अस्थि को उठाकर न जाने कहां फेंक करके पल भर में भगवान के निशंग में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान। देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, देख अमित बल, अमित माने जिसकी कोई सीमा नहीं है। बुरा न मानिएगा, कनपुरिया है, कई महामूर्ख कथावाचक कहते हैं कि बाली में जो सामने आता था आधा बल बाली के अंदर चला जाता था। इन विद्वानों को कौन बतावे कि जिसके बल की कोई सीमा ही नहीं है। मेरे राम जी की, भगवान की बलवान शक्ति कितनी है? असीमित, अमित बल। तो उसमें आधा क्या करेंगे आप? समुद्र के पानी में आधा क्या करेंगे? आकाश का आधा कितना हुआ? समझ में नहीं आता, न जाने कहां लिखा है, कहां पढ़ी है, जो मन में आता चाय की दुकान पर उन्हें बताने लगे। ये प्रसंग ही गलत है। बाली का शरीर कितना ताकतवर होगा बाली जानता हो, लेकिन मेरे सरकार अमित बल, अतुलित नहीं, अमित बल की कोई सीमा नहीं है। अरे हम लोग श्रोता ऐसे हैं, चाहे जो सुनाए दो, चाहे जो सुनाए दो, थपरी बजा दे गए आप लोग। अरे विरोध भी किया करो भाई, कहाँ लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। भगवान ने छिप के मारा, कदाप नहीं मारा, राम जी छिप के क्यों मारेंगे? जिनके बल की कोई सीमा ही नहीं है। अरे पूरे दुनिया का दुर्दांत आतंकवादी रावण को भगवान ने छिप के नहीं मारा। बाली क्या होता है? कितना बलवान बाली। भगवान छिप के कुछ नहीं करते, भगवान छिप करके संसार में भी नहीं रहते, भगवान तो सर्वत्र रहते हैं। आपने सुना होगा, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर, हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में,
सबके मन। छिपना क्यों? एक बाण भगवान ने बाली को मारा था, एक बाण, तो छिपना। सुग्रीव जब देखा अमित बल तो क्या बोला, बाल परम हित जा सुप्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा। हे राम जी, बाली मेरा शत्रु नहीं है, बाली हमको मार के न भगाता तो आपसे कैसे भेंट होती। अब देखिए चतुर, ये चालाक आदमी इतना अद्भुत होता है साहब, एक मिनट नहीं लगा सुग्रीव जी का स्टेटमेंट बदल गया। बहुत मारा, अब कह रहे बड़ा ही तैसी है, क्यों आपसे मिला दिया। नहीं 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 नहीं, भगवान ने कहा कहते तो आप जो हो सत्य यही है, लेकिन मेरी वाणी मृषा नहीं होगी, मैं तो मारूंगा ही उसको, पहले बताना चाहिए। सावधान, कोई बात कहनी हो ना तो पहले काफी निर्णय सोचा जाए। आवेश में भी आक्रोश में भी इस प्रकार का निर्णय नहीं होना चाहिए जिसका परिणाम भविष्य में बुरा होना दिख रहा है। सावधान, आवेश में हम बहुत कुछ खो देते हैं, शत्रुता के बीज बो देते हैं। आवेश को संभालें हम। भगवान ने बाल को गति दिया, तारा को ज्ञानोपदेश दिया, मैया को। सुग्रीव जी अंतिम संस्कार संपन्न किए, सुग्रीव जी को जामंत आदि के द्वारा राज सिंहासन पर भगवान ने बिठवाया। अंगद जी को जो राज पद दिलवाकर भगवान चातुर्मास व्यतीत करने लगे परवर्षण पर्वत पर जाकर। वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास, चातुर्मास व्यतीत हुआ। तत्पश्चात भगवान ने लक्ष्मण जी को आवेश दिया, आए सुग्रीव जी से बिना पूछे हनुमान जी ने सब कपियों का संदेशा बुलवा करके और समाज जमात बुलवा लिया था। बड़ा आनंद हो रहा है, सब लोग चरणों में प्रणाम करते हैं। सुग्रीव जी ने संबोधन किया, एक मास का समय देता हूँ, सीता मैया का पता लगा के आप लोग आइए, मेरा निहोर है, राम काज्य है, आप सब जाइए और शीघ्रात शीघ्र लौटिए। 10 युद्धपति जामंत बाबा के संरक्षत्व और अंगद जी के राजकत्व में दक्षिण दिशा की ओर गए। पाछे पवन तनय सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलाया बुलावा, परसासी सरोरो पानी कर मुद्रिका देन जन। हनुमान जी महाराज ने जीवन को धन्य माना। यहाँ एक सूत्र है, दिमाग में रखिए, दिल में रखिए, व्यवहार में रखिए, प्रणाम जहाँ खड़े हैं वहीं से करना चाहिए। चार आदमी को रौंद कर जाकर प्रणाम कदापि नहीं करना चाहिए, जहां खड़े हैं वहीं से प्रणाम करें। प्रणाम में जाकर सबको हटाकर और बीचे में खोपड़ी गिरा देंगे घोड़े में, ये आवश्यक नहीं है। आपकी श्रद्धा नेत्रों में होनी चाहिए, आज्ञा पालकता मन में होनी चाहिए, बस प्रणाम हो गए। प्रणाम हमारी शीलता है। मैं अक्सर आपको ये बात समझाता हूँ, सुनाता हूँ, कहता हूँ कि प्रणामशीलता में हो। नेत्रों में उतरे, कितना अच्छा है, कितने अच्छे हम लोग हैं। बच्चों में ये संस्कार अवतरित हो, सहज प्रणाम मेरे राम जी का। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता
प्रणाम। आदत लगे हो तीन कारण है। बुढ़ापा तीन प्रकार की है, वयवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और तपवृद्ध। जो तपस्या में वृद्ध है उसको प्रणाम करना चाहिए, ज्ञान में वृद्ध है, श्रेष्ठ है, उनको प्रणाम करना चाहिए, और हमसे जो वय में वृद्ध है उसको प्रणाम करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आयु, विद्या, कीर्ति और बल चारों प्रणाम से अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं, बढ़ते किया जाए, बढ़े। श्री हनुमान जी ने, अब यहां दर्शन करिए, श्री हनुमान जी ने पांचे प्रणाम किया, प्रभु ने श्री हनुमान जी को काम सौंपा, अंगद जी को नहीं सौंपा, द्विविध मयन नंद नील को नहीं सौंपा, किसको सौंपा? श्री हनुमान जी को सौंपा। परसा शीश सरोरोह पानी कर मुद्रिका दीन जन, श्री हनुमान जी ने अपना जीवन धन्य धन्य माना। किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं करना, किससे पूछना भी नहीं, काम कौन करेगा राम जी का? श्री हनुमान जी करेंगे। क्यों? राम काज वही कर सकता है जिसके पास अपना कोई काज नहीं। देखिए, सबका अपना अपना काज है। हमारा कार्य है कथा करना, ये मेरा राम काज है। भैया लोगों का कार्य है व्यवस्थित रूप से वाद्य कथा के साथ बजाना। वीडियो वाले भैया लोगों का काम है बढ़िया बढ़िया फोटो दिखाना, कुछ हम लोगों की भी, कुछ आप लोगों की भी। माइक वाले भैया का अपना राज राम काज है। ऊपर चलते हैं समाज में, जो व्यापारी व्यापार ठीक से करे, अध्यापक लोग ठीक से पढ़ावें, विद्यार्थी लोग ठीक से पढ़ें, माता लोग अपना व्यवहार करती हैं ठीक से, सब व्यवहार, सबका अपना राम काज है। जिसको जो कार्य मिला उसको निष्पादित करे, ये राम काज है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।